बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल सादिया डिजिटल हब। आई एम सादिया किरण और आज फेसबुक मार्केटिंग का सेकंड लेक्चर है, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरह से फेसबुक की आईडी क्रिएट करते हैं, आपकी प्रोफाइल कैसी होनी चाहिए, फीड पोस्ट कैसी करनी चाहिए और एंड में मैं आप लोगों को बताऊँगी कि किस तरह से आप लोग जो है वो फेसबुक की आईडी से अर्निंग कर सकते हैं। तो मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा, कोई भी पॉइंट मिस मत कीजिएगा, क्योंकि एंड में मैं आप लोगों को बहुत ही काम की चीज़ बताने लगी हूँ। ओके, तो हम अपने वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरह से आप लोग फेसबुक पे अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। फर्दर उसके बाद आगे मैं तमाम चीज़ें आप लोगों को क्लियर करती जाऊंगी। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना होता है कि जब भी आपने कोई न्यू आईडी बनानी है तो आप लोगों ने क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक करना होता है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट आपने ज्वाइन फेसबुक पे क्लिक करना होता है। उसके बाद जिस भी नेम से आपने आईडी बनानी है आप लोगों ने वो नेम लिखना है। इस बात को ध्यान में रखें कि आप एक ऐसी आईडी बना रहे हैं जो कि मार्केटिंग से या बिज़नेस से रिलेटेड है, तो ये मामा की परी पापा की परी वाला काम नहीं करना, वरना आपकी आईडी पे भी फिर ऐसे ही पापा की परी और पापा के परे आएँगे। तो अपना रियल नेम आप लोगों ने यूज़ करना है ताकि आपकी आईडी पे रियल लोग ही आएँ। तो कोई भी नेम सपोज कर लेते हैं, मैं अपना ही नाम लिख देती हूँ, चलें ठीक है। नाम लिख के आगे आप लोगों ने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अपनी जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है आप लोगों ने वो सिलेक्ट करनी है और उसके बाद जो है जब आप सिलेक्ट कर लें तो नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। आपका जो भी जेंडर है, मेल है या फीमेल है, आपने उसको सिलेक्ट करके और नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पर आप लोगों ने अपना मोबाइल नंबर लिखना है। याद रखें आप लोग अपने मोबाइल नंबर से भी साइनअप कर सकते हैं और अपने ईमेल से भी साइनअप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अपनी ईमेल से कर देती हूँ, ठीक है। तो मैंने इसको कंटिन्यू किया। जो भी आप लोगों ने अपना पासवर्ड लगाना है आप वो पासवर्ड कुछ भी लगा लें, ठीक है। तो मैंने आगे क्लिक कर दिया, ये हमारी आईडी कंप्लीट होगी। मैंने क्लिक कर देना है साइन अप पे और आप लोगों की फेसबुक की आईडी बन जाएगी। तो उसके बाद आप लोगों ने अपनी प्रोफाइल पिक्चर सेट करनी है, कोई भी लगा सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर इसको स्किप कर रही हूँ। आप लोगों ने ऐड पिक्चर पर क्लिक करके तो यहाँ पर कोई भी पिक्चर जो है वो अपनी गैलरी से चूज़ करके लगा सकते हैं, ठीक है। हमारी फेसबुक की जो आईडी है वो रेडी हो गई है। अगर मैंने अपना पासवर्ड और लॉगिन इन्फॉर्मेशन सेव करनी है तो मैं क्लिक करूँगी ओके पे। अगर मैंने ये इन्फॉर्मेशन सेव नहीं करनी है तो मैं क्लिक कर दूँगी स्किप पे, ठीक है। ये आपकी अपनी चॉइस है, आप इसको जैसे मर्जी करें। तो मैं स्किप कर रही हूँ इसको। ये देखें, ये हमारी जो प्रोफाइल है वो क्रिएट हो गई। अब इसके बाद आपने सबसे पहला काम क्या करना है, अपनी प्रोफाइल में जाना है और उसके बाद जो है आपने अपनी जो भी इंफॉर्मेशन है उसको सेव करना है, अपनी प्रोफाइल को अपडेट करना है, ठीक है। इसमें आपके पास जो भी चीज़ें पूछेंगी, आपका जो भी सिटी वगैरह है आप लोगों ने वो उसको सिलेक्ट करते जाना है। और उसके बाद जो है ये मैं रैंडम सिलेक्शन कर रही हूँ, ये मेरी जो है वो रियल आईडी नहीं है। तो अपनी तमाम इंफॉर्मेशन को आप लोग जो है वो पुट कर दीजिएगा। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं ये यहाँ पे ब्लैंक है, लेकिन यहाँ पे आप लोग जब क्लिक करेंगे ना एडिट प्रोफाइल पे, एडिट पब्लिक डिटेल पे, तो आप जो है ये तमाम चीज़ें आपकी यहाँ से ना पुट हो जाएंगी। यू कैन सी अपनी प्रोफाइल को अच्छे से सेट करने के बाद अब आप लोगों ने नेक्स्ट क्या काम करना है, अपनी फ्रेंड लिस्ट में लोगों को ऐड करना है, ठीक है। ताकि आप जो भी न्यूज़ फीड में पोस्ट करेंगे वो आपके फ्रेंड्स और कम्युनिटी जो है वो उसको देख सकें, लाइक कर सकें, शेयर कर सकें। तो उसके बाद जो है आपकी पोस्टिंग के बारे में बात करते हैं। जो पोस्टिंग है वो आप लोगों की इस तरह से होनी चाहिए कि देखने वाले को अच्छी लगे। तो कभी भी अगर आप लोगों को इस चीज़ की समझ नहीं आ रही हो तो आप लोग क्या करें, अपने आप को एज अ कस्टमर या एज अ व्यूअर सपोज करें कि आप किसी की प्रोफाइल को देख रहे हैं तो आप उसकी प्रोफाइल में क्या चीज़ें देखेंगे, कौन सी चीज़ें हैं जो आपको अट्रैक्ट करेंगी। अपने बिज़नेस के अलावा अपना लाइफस्टाइल, अपने खाने पीने का लाइफस्टाइल, अपना ड्रेसिंग सेंस और ट्रैवलिंग ब्लॉग, ये तमाम चीज़ें आप लोगों को आपकी फेसबुक प्रोफाइल में या कोई भी आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहाँ पे उसको अपडेट करना चाहिए। इससे क्या होता है, जो देखने वाला होता है, जो आपका फ़ैन होता है, जो आपकी फ़ैन फॉलोइंग या फ्रेंड लिस्ट होती है, वो ना सिर्फ आपके काम को देखना चाहती है बल्कि उसके साथ ही साथ वो आपकी जो पर्सनल रूटीन्स हैं उनको भी जानने में इंटरेस्ट रखती हैं। सेलिब्रिटीज़ होते हैं, हम उनके ड्रामास या मूवीज़ से हट के जो उनकी पर्सनल लाइफ होती है, उनका घूमना फिरना और उनकी मतलब जो भी पर्सनल
हॉबीज़ होती हैं, हम उनको जानने में भी इंटरेस्ट रखते हैं क्योंकि हम उनके फ़ैन्स होते हैं। तो सेम इसी तरीके से जो हमारे फ़ैन्स होते हैं या जो हमारी फ्रेंड लिस्ट होती है, वो हमारे वर्क के साथ साथ हमारी पर्सनल लाइफ को जानने में भी इंटरेस्ट रखती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आप लोगों को कुछ आइडियाज़ दिखाती हूँ जो कि बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही होती हैं। मैम सलवा हैं जो कि हमारी सीनियर हैं, मैं आपको दिखाती हूँ इनकी प्रोफाइल कितनी अच्छे तरीके से सेट की गई है, इनकी तमाम कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, इनकी शॉप, इनका कैटलॉग। उसके अलावा ये देखें, ये अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में भी अपडेट्स देती रहती हैं। इसी तरह से और भी बहुत से लोग हैं जो कि अपनी तमाम तर इन्फॉर्मेशन को सोशल मीडिया पर डालते रहते हैं। देखें अपने ट्रैवलिंग को, अपने बच्चों के साथ जो भी टाइम स्पेंड करती हैं उस चीज़ को ये सोशल मीडिया पे डालती रहती हैं, जिससे देखने वालों पे एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। जो भी आपकी प्रोफाइल को क्लिक करेगा, अगर जस्ट वो देख रहा है कि सिर्फ ही मार्केटिंग है, सिर्फ ही जो है काम ही काम है, तो वो थोड़ा सा ना बोरिंग टाइप हो जाएगा। लेकिन आपकी प्रोफाइल में अगर हर जगह पर आपको या देखने वाले को कुछ ना कुछ नया देखने को मिलेगा ना, तो उसमें तजस्सुस पैदा होता है मज़ीद उस चीज़ को देखने का, तो वो आपकी प्रोफाइल को स्क्रॉल डाउन करता ही रहता है और आपको अच्छे तरीके से जानने की कोशिश करता है। ओके, तो अब चलते हैं हमारे लास्ट सेशन की तरफ, जिसमें मैंने आप लोगों को बताना है कि किस तरीके से आप अर्निंग कर सकते हैं जस्ट फेसबुक प्रोफाइल को बना के। जैसे कि आप लोगों ने देखा है वीडियो में कि प्रोफाइल बनाना बच्चों का काम है, 4 मिनट में 5 मिनट में आपकी अच्छी प्रोफाइल बन जाती है, तो कैसे आप उसी प्रोफाइल के $10 $15 ले सकते हैं। तो उसके लिए मैं आप लोगों को एक साइट बता रही हूँ फाइवर के नेम से। फ्रीलांसिंग का नाम आप लोगों ने सुना होगा, बहुत से लोग कहते हैं ये बहुत मुश्किल है, कुछ लोगों को बहुत अच्छी लगती है। तो इसमें जो है वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे काम करना सिखाया जाता है। हमारी ये मार्केटिंग की क्लासेस चल रही हैं, तो इसमें मैं आप लोगों को जस्ट फेसबुक के हवाले से बता रही हूँ। तो इसके बाद जो है आप लोगों को मैं फ्रीलांसिंग पे भी अलग से लेक्चर्स दूंगी, अभी जस्ट एक ओवरव्यू दे रही हूँ कि किस तरह से आप फेसबुक की आईडी बना के या फेसबुक का पेज बना के और किस तरह से अर्निंग कर सकते हैं। ये मेरा फाइवर का अकाउंट है और इस पे मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि कितने लोग जो हैं वो यहाँ से किस तरह से अर्निंग ले रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सर्च करती हूँ सर्चिंग बार में जाके, तो अगर सर्चिंग बार में हम जाके सर्च करें फेसबुक आईडी के नेम से, तो आप देखेंगे कि कितने लोग जो हैं वो यहाँ से पेमेंट्स ले रहे हैं जस्ट फेसबुक के लॉगर्स बना के, बैनर्स बना के, फेसबुक की आईडीज़ बना के, फेसबुक का पेज बना के। डिस्क्रिप्शन रीड कीजिएगा, जस्ट फेसबुक की आईडी बनाने का और फेसबुक को मैनेज करने का। मैनेज करने में क्या आता है, पोस्टिंग्स कर देना, लाइक कमेंट चेक कर लेना, किसी का मैसेज आया है तो उसको रिप्लाई कर देना। ये बंदा जस्ट इस काम के $25 ले रहा है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं आगे, आई विल क्रिएट फेसबुक बिजनेस पेज एंड अदर पेज आर आईडीज। फेसबुक पेज कैसे बनाते हैं, फेसबुक आईडीज कैसे बनाते हैं, ये क्या ऑफर कर रहे हैं, $10 से इनका स्टार्ट है। जैसी पेज की नवयत होगी, उसकी कैटेगरी होगी, या मतलब जब कस्टमर से बात करके सेलर्स को काफ़ी आइडिया हो जाता है कि इनसे कितनी पेमेंट लेनी है, तो इनका स्टार्ट जो है वो $10 से है सिर्फ एक पेज बना के देने का। पेज कैसे बनाते हैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को वो भी बताऊँगी। तो इस तरह से करके आप लोग फाइवर पर अपना अकाउंट बना के, अपनी गिग बना के, तो अपनी इस सर्विस को सेल कर सकते हैं। फेसबुक के पेजेस बना बना के दें, फेसबुक की आईडीज बना बना के दें और एक अच्छी अर्निंग करें। फाइवर पे भी मैं पूरा लेक्चर दूंगी, लेकिन कुछ दिन के बाद। अभी हमारी फेसबुक की सीरीज चल रही है, तो हम फेसबुक के हवाले से ही डिस्कस करेंगे। इसी तरह से आप नीचे देख सकते हैं कि कितने लोग जो हैं वो डिफरेंट सर्विसेज सेल कर रहे हैं।